कब्र में तनहा छोड़कर वापस चले जाएंगे। हाय तेरा दिल बहलाने के लिए कोई भी वहां नहीं ठहरेगा। ठीक 4 दिन के बाद तेरा जिस्म गलना शुरू हो जाएगा। तेरे मोटे ताजे बदन को कब्र के कीड़े खाने शुरू कर देंगे। पता नहीं तेरी दाई आंख पहले खाएंगे या बाई आंख पहले खाएंगे। पता नहीं तेरी जुबान पहले खाएंगे या तेरे होंठ पहले खाएंगे। कल तक तो हंसता था, तेरे मुंह से फूल झड़ते थे, तेरे खूबसूरत दांत चमकते रहते थे। ऐ नौजवान, अगर तू अल्लाह की नाफरमानी से बाज ना आया, अगर तू गुनाहों पर गुनाह करता रहा, तो याद रख ले, ठीक 4 दिन के अंदर अंदर तेरा ये चमकता चेहरा गल जाएगा। तेरे इन खूबसूरत दांतों में पीप पड़ जाएगी। तेरी ये मोटी मोटी आंखें उबल कर रुखसारों पर बह जाएंगी। अगर तू गुनाहों पर गुनाह करता रहा, तो याद रख ले नौजवान, वो दिन आने वाला है। इसकी जिंदगी को मौत खा जाती है, इस दुनिया की जवानी को बुढ़ापा खा जाता है, इसकी राहत को मुसीबतें ले जाती हैं, इसकी सेहत को कब्र की सेहत से बदल दिया जाता है, लट्ठे के सूट को कफन में बदल दिया जाता है, मशहूर नाम को मुर्दों में तब्दील कर दिया जाता है। अरे 10-10 मंजिला बिल्डिंग बनाने वाले, क्या पता 10 हाथ गहरी तेरी कब्र तैयार हो चुकी हो। अरे ऊंचे से ऊंचे जोड़े पे तेरी निगाह ना जम रही हो, और क्या पता तेरे मेरे कफन का कपड़ा भी बाजार में आ चुका हो। अरे बड़ी उम्दा खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करने वाले, क्या पता कब्र की अंधेरी कोठरी तेरे मेरे पेट को फाड़ कर पूरी कब्र को बदबूदार बनाने के लिए तैयार हो चुकी हो। अरे खुशियां मनाने वाले, क्या पता कि तेरे ऊपर मातम होने वाले हों। हाय हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे जवानों, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें भेजा था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया है। जवानों, अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपना लें, तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा।